नमस्कार दोस्तों। तो उत्तर भारत के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के अंतिम दिनों के अंदर यानी लगभग जो है वो लास्ट के 3-4 दिनों के अंदर यानी अभी जो लगभग समय चल रहा है उस समय जो है वो एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है। और उसी तरह से उत्तर भारत के अंदर जो है वो पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी जो है वो नज़दीक पहुँच चुका है और इसी का प्रभाव आपको आगे आने वाले लगभग जो है वो 24 से 48 घंटों के अंदर राजस्थान के अंदर जो है वो शुरू होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का मौसम आप ये महसूस करेंगे कि पूरी तरह से जो है वो बदल गया है। एकदम से जो तापमान लगभग जो है वो 7-8 डिग्री या 10-12-15 डिग्री तक बना हुआ है, काफ़ी जिलों के अंदर वो एकदम से जो है वो 0 डिग्री तक जो है वो पहुंचने की उम्मीद है आगे आने वाले लगभग 24 से जो है वो 18 घंटों के अंदर, 18 से लेकर के 24 घंटों के अंदर तापमान के अंदर जो है वो भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो बर्फ जमने जैसी स्थिति भी आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर जो है वो बड़ा अपडेट मौसम विभाग के द्वारा जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर जो है वो उत्तरी राजस्थान की, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इन 4-5 जिलों के अंदर जो है वो तापमान के अंदर आगे आने वाले लगभग 18 घंटों के अंदर जबरदस्त कमी आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। 28 दिसंबर को यहां पर जो है वो काफी ज्यादा सर्दी यहां पर जो आपको जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसके अंतर्गत बात करें तो तापमान जो है वो 1 से 2 डिग्री या कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो कुछ समय के लिए विशेष तौर से बात करें तो रात के समय जो है वो 0 डिग्री तक भी जो तापमान है वो पहुंच सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सर्दी का यहां पर आपको जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर यहाँ पर विशेष तौर से बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है वो बारिश की गतिविधियाँ भी आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर जो है वो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। जिस तरह से पिछले वर्ष यानी सन 2019 के अंदर भयंकर सर्दी जो है वो इस समय पड़ी थी, उसी तरह से जो है वो इन दिनों के अंदर आगे आने वाले लगभग जो है वो 7 से 8 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर तापमान जो है वो काफ़ी डाउन रह सकता है। तो इसके लिए आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोयले वगैरह जो जलाने की परंपरा है या जो जलाते हैं हम सर्दी से बचने के लिए, तो उससे आप जो है वो थोड़ा सा बचें, उसको जलाने से बचें, क्योंकि उससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है वो बनती है, जो कि जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है और इसके कारण जो है वो मृत्यु भी पिछले जो है वो वर्ष दर्ज की गई थी। तो इस वर्ष आपको जो है वो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है, इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो खिड़की जो दरवाजे हैं वो आपको कोशिश करनी है कि आप खुले रखें, ताकि जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन बाहर से जो है वो वायु के माध्यम से अंदर आ सके। इसके साथ साथ में बात करें तो जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, अलवर, साथ ही साथ बात करें तो दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर इन जिलों के अंदर भी पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की बारिश के रूप में और इसके साथ साथ में बात करें तो ज़बरदस्त तापमान के अंदर कमी के रूप में आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर इन जिलों के अंदर भी तापमान के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर और बाड़मेर के भी रेगिस्तानी जो इलाके हैं यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर भी तापमान के अंदर जो है वो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बात करें तो बारिश की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन तेज़ हवाएं यहां पर जो है वो चलती हुई देखने को मिल सकती है 28 तारीख तक। उसके बाद में आपको जो है वो 28, 29, 30, 31 तारीख को काफ़ी ज़्यादा यहां पर जो है वो सर्दी महसूस हो सकती है। नागौर के अंदर और अजमेर के अंदर भी बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन तापमान के अंदर यहां पर भी कमी देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावना यहां पर जो रेड कलर के अंदर एरिया दिखाया गया है उसके अंदर भी अगर बात करें तो विशेष तौर से गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके साथ साथ में चूरू, झुंझुनू के कुछ एक क्षेत्रों के अंदर जो है वो जताई जा रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की चितराई बारिश के रूप में आपको जो वो देखने को मिल सकती है। जालौर के अंदर, सिरोही के अंदर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद सहित दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी जो मौसम है वो लगभग शुष्क बने रहने का अनुमान है। साथ ही साथ जो है वो ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से यहाँ पर भी तापमान के अंदर जबरदस्त कमी देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी रहने की जो है वो संभावना जताई गई है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन जिलों के अंदर भी जो मौसम है वो आगे आने वाले लगभग जो है वो 12 घंटों के बाद में काफ़ी सर्द हो जाने की उम्मीद है। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर 12 से 18 घंटों के बाद में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र रह सकता है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो यहाँ पर जो है वो ये क्षेत्र रह सकता है, जिसके अंतर्गत बीकानेर के अंदर, गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चूरू, अलवर इन जिलों के अंदर जो है वो ज़बरदस्त सर्दी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में जो है वो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी का सामना आपको आगे आने वाले समय के अंदर जो है वो करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो पेड़ दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।